हुनर। हुनर बड़ी ही अनोखी चीज है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ हुनर लेकर जरूर पैदा होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ का छिप जाता है तो कुछ का छप जाता है। और हुनर की खासियत ये है कि ये किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। फर्क नहीं पड़ता कि आपका रंग क्या है, आप किस देश, शहर या गांव में और किसके घर पैदा हुए। हुनर भगवान का दिया वरदान है जिसकी प्रशंसा हम सबको जरूर करनी चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सुंदरकाल सीरीज के 5वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय की शुरुआत करते हैं वीरू भैया के परिवार से। वीरू भैया सुंदरखाल में अपने माता पिता, पत्नी और एक बहुत ही प्यारे से छोटे बेटे वरुण के साथ रहते हैं। और इनके परिवार का एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है बंटी, जो दुख से लगभग 1 महीने से लापता है। जितने दिन भी हमने इनके साथ बिताए, वरुण की आदतें देख देख के मन ही नहीं भरा। कभी बुलडोजर से खेलता तो कभी बंटी के साथ। और वीरू भैया के पिताजी से मिले तो उनके एक हुनर का पता चला। ये जिस सोफे पे वीरू भैया, बंटी और उनके पिता बैठे हैं, ये वीरू भैया के पापा ने खुद बनाया है। पर हुनर ये नहीं, हुनर तो ये है कि एक प्लास्टिक के पाइप से उन्होंने बांसुरी बनाई, जिसको बजा के वो बहुत ही सुंदर गीत निकालते हैं। चलिए मिलके देखते हैं इनका हुनर। अंकल का ये छुपा हुनर देख के हमें बहुत अच्छा लगा और ये एहसास हुआ कि ऐसे भारत के हर घर में ना जाने कितना हुनर छुपा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीरू भैया को बिठा के उनसे थोड़े गांव के बारे में जानते हैं और यहाँ के लोगों की बातें करते हैं। ठीक है वीरू भैया, थोड़ा इस गांव के बारे में बताओ, कितने लोग हैं, आप यहाँ कब से रह रहे हो, थोड़ा लोगों के बारे में बताओ। जी, यहाँ पे 75 में ये गांव बसा था। यहाँ पे तब यहाँ पे 850 फैमिलीज यहाँ पे आए थे, तब ये गांव बना था। तब से आज शायद 55 प्लस हो गया इस गांव को बसे हुए, और अभी यहाँ की पॉपुलेशन 4000 करीब है। 4000 लोग यहाँ पे? हाँ जी, 4000 लोग यहाँ पे अभी रहते हैं। और कितना बड़ा एरिया होगा यहाँ पे लगभग? ये 3 किलोमीटर एरिया तो यहाँ से गिरजा टेम्पल है। और हाईवे से रिवर तक ये पहले 800 मीटर था, अभी एक नदी ने कटाव करके अभी 500 मीटर रह गया। तो 1975 से लेके अब तक लगभग 50 साल पूरे होने वाले हैं, पर आज भी इन गांव के लोगों के पास मकान के आसपास पक्की दीवारें तक नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि गांव वाले तो कम से कम में गुजारा कर लेते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो पक्की दीवारों की जरूरत क्यों है। इस गांव में और देश के बाकी गांव में सबसे बड़ा फर्क है कि ये गांव जंगल के बीचों बीच बना है। तो मैं यह देख रहा हूँ जैसे कि जितने भी ये घर हैं इनके आसपास दीवार नहीं लगी, और आप जैसे बता रहे थे कि यह जंगल का एरिया है, तो बिना दीवार के खतरा नहीं होता? खतरा तो होता है। अब ये फूस है, जो ये लालटेना होती है, इससे हम बाड़े बनाते हैं, तो ये हालांकि सेफ्टी तो कुछ नहीं करता है, पर ये हमें ये इंडिकेट करता है कि अगर कोई भी जानवर आता है, जब उसे तोड़ के अगर घर की तरफ आता है तो हम लोग जग जाते हैं उस चीज से कि कुछ टूटा, शायद जानवर आ गया। तो होता है, जानवर ही होता है। तो छोटे जानवर से तो फिर भी बचा जा सकता है, पर हाथी और लेपर्ड वगैरह से तो नहीं बचा जा सकता। नहीं जा सकता जी। तो लेपर्ड हाथी वगैरह आते रहते हैं इधर? यहाँ तो बिल्कुल टाइगर और लेपर्ड हो गया, एलिफेंट हो गए, डियर हैं, 5-6 प्रकार के डियर हो गए, वाइल्ड बोर हो गया। वाइल्ड बोर तो नीचे से अपना मुंह डाल के पूरा उसे तोड़ ही देता है, पूरा घर तोड़ देता है। घर नहीं, जो बाड़ होती है, बाड़ा। अच्छा।
और फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। आज की तारीख में दुनिया से जुड़े रहने के लिए इंटरनेट चाहिए, बच्चों को पढ़ने के लिए बत्ती चाहिए और घर के और भी काम काज के लिए बिजली चाहिए। पर इस गांव में बिजली 2018 में आते आते रह गई। कोई मदद का हाथ बढ़ाना भी चाहे तो फायदा नहीं, तो बिना बिजली के गुजर बसर होता कैसे है? और जैसे यहाँ पे आप लोग को खाना बनाना हो, वॉशरूम जाना हो, क्योंकि मैं बिजली की तारें नहीं दिख रही, तो यहाँ बिजली का भी प्रॉब्लम? यहाँ पे 2018 में यहाँ पे जो सौभाग्य योजना के तहत जो योजना आई थी यहाँ पे, तो उसमें जो घर घर बिजली का जो आया था प्रस्ताव कि दिया जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक पोल लगे, उसके बाद फिर अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका। कुछ नहीं हो पाया, 6 साल हो गए, 6 साल में कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग कैसे अपना बिजली का काम पूरा करते हो? मोबाइल चार्ज है या मिक्सी चलानी है? मिक्सी वगैरह तो इतना बड़ा तो हम लोग कुछ यूज करते हैं नहीं, और मोबाइल चार्ज सोलर पैनल रखे हैं सबने अपने अपने छोटे छोटे। यह कि फैन वगैरह तो नहीं चल पाता, टीवी वगैरह नहीं चल पाता, बस यह कि अपना मोबाइल चार्ज हो जाता है, 4-5 लाइटें जल जाती हैं। पर वही चीज फिर जैसे बाढ़ बरसात का टाइम होता है या सर्दियों में जब कोहरे का टाइम होता है, किसी दिन क्लाउड्स लगे होते हैं, तो नहीं हो पाता, स्टोर नहीं हो पाती बैटरी। वीरू भैया का घर हमेशा से हाईवे के नज़दीक मैगी शॉप के पीछे नहीं था, पहले ये जंगल की ओर नदी के पास रहते थे। उन्होंने हमको अपना पुराना घर भी दिखाया, चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये हमारा पुराना घर था, हम लोग आपका? हाँ जी। आप रहते थे? हाँ जी। अरे वाह, तब तो इतना वाइल्ड लाइफ था कि फिर क्यों छोड़ना पड़ा ये घर? ये कोसी रिवर यहाँ तक आ गई थी। हाँ। ये जहाँ नीचे बाढ़ देख रहे हैं ना, हाँ। यहाँ से लेके उधर पहाड़ी तक पूरा ऐसा हो गया था, पूरा बीच। हाँ। और पेड़ ऐसे खड़े खड़े जा रहे थे, इतने बड़े बड़े पेड़ है ना, ये सिंबल के पेड़ है। हाँ। तो इतने बड़े बड़े पेड़ ऐसे बहते हुए जा रहे हैं। फिर यहाँ से ऊपर एक 20-25 फीट की एक लैंड है, बस वो टीला अगर कटता है तो सारा पानी करते हैं, फिर तो पूरा गाँव डूब जाता है, छोड़ना ही पड़ा। 60% गाँव ऐसे खत्म हो जाना है। क्या सुंदर जगह घर था। मैं वही भैया को बोल रही थी कि आप जन्नत में रहते हो, तो कहते हैं जन्नत में रहने का अपना एक खतरा भी है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, नहीं रोज रहना आसान नहीं है। जैसे वॉशरूम, आप लोग के सबके वॉशरूम कच्चे होंगे है ना, और भी प्रॉब्लम होगी ना विलेज में, जिन लोग हैं उनके बाहर हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास है ही नहीं अभी तक वॉशरूम ही नहीं, वॉशरूम ही नहीं। आप ये पूरे 4,000 लोगों की बात कर रहे हो या सिर्फ अपने ये पैच की? फिर उनको ऐसे जंगल में ही जाना पड़ता है? जंगल में जाना पड़ता है, लोग क्या करते हैं रात में बच्चों को कम खिलाते हैं। ओहो, बाहर नहीं जाना पड़े। ओहो, बहुत बड़े चैलेंज। ये वो घर है जो हाथी में पड़ा? हाँ यही आपका, मैंने देखा था वीडियो। क्या ये? नहीं नहीं, ये तो बीटर ईटर है, दूसरा बर्ड है ये। हाँ हाँ, ब्लू होता है वो तो नहीं है। यहाँ पे बर्ड्स तो हैं, आप सही बोल रहे थे, इतनी हरियाली है, वॉकिंग सफारी जैसा है। नहीं तो वीरू भैया, इन लोग का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तीन चीज़ें तो जो होनी है वो तो बहुत ज़रूरी है, बाकी तो कई सारी बताना आप तीन चीज़ें। एक तो बिजली का आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। दूसरा गाँव की बाउंड्री। अच्छा। क्योंकि अगर बाउंड्री होती है, फेंसिंग लगती है, तो ये बंजर खेत दोबारा आबाद हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट किसान को इतनी सब्सिडी देती है। हाँ। हम तो कह रहे हैं हमें सब्सिडी मत दो। हाँ। बस हमें फेंसिंग दे दो। हाँ। बाकी हम कर लेंगे। और तीसरा? और तीसरा जो बाढ़ का जो खतरा हो रहा है। हाँ। कोसी नदी का खनन कराते रहे हर 10 साल में, ताकि अभी क्या हो गया कि कोसी रिवर हाइट में होगी, गांव डाउन हो गया, अब जहाँ डाउन होगा पानी वहीं आएगा, तो ये दिक्कत है। गवर्नमेंट ही आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। अब इतने बड़े गांव के लिए अगर फेंसिंग, अगर जैसे अभी नेस्ले की एक कंपनी है जो, तो उनके चीफ आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग इस गांव पे हम लोग इसको काम करेंगे। पर जब उन्होंने गांव की पूरी हिस्ट्री जब जाने की, गांव कच्चा है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, अगर हम लोग करेंगे तो गवर्नमेंट फिर हमें भी ब्लेम करेगा, कई चीज़ें, फिर उन्होंने भी मना कर दिया। तो वीरू भैया से इतनी बातें करते करते हमारे मन में एक सवाल आया, अपने प्यारे से परिवार के साथ रहने वाला ये इंसान आखिर क्यों इन गांव वालों के लिए आवाज उठा रहा है?
खुद पढ़ा लिखा और समझदार होने के कारण ये आराम से अपना गुजर बसर कर वरुण को पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इन गांव वालों के लिए मसीहा बन घर घर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। आप में से जो भी छोटा भीम मैगी पॉइंट चैनल को देखते होंगे, आपने देखा ही होगा कैसे वीरू भैया एक के बाद एक गांव वालों की मदद कर रहे हैं, और सिर्फ अपने गांव की ही नहीं आसपास के कई और गांव की। और इस सवाल के साथ हम आपको छोड़ इस अध्याय का यही अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है वीरू भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगला अध्याय आने तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें।